आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुरादाबाद के पागवाड़ा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण भी अपने हथियार लेकर घटना स्थल पर आ गए और बदमाशों का पुलिस के साथ मिलकर सामना किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया और एक बदमाश चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ की सूचना पर उच्च अधिकारी को मिली तो कई थानों की टीम के साथ एसपी सिटी और सीओ मौके पर पहुंच गए। मुठभेड़ मुरादाबाद जनपद के थाना पागवाड़ा क्षेत्र के सेक्टर 5 की है, जहां पर पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुन गांव के लोग भी घरों से निकल आए और बदमाशों का सामना किया। सूचना उच्च अधिकारियों को मिली तो मैफोर्स एसपी सिटी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया तो वहीं एक बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। इस दौरान घटना स्थल पर कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ स्थल पर एक तमंचा, जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश पर करीब एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मामला था जो अभी मुठभेड़ हुई है, क्या आज रात थाना पागवाड़ा क्षेत्र में जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्हें कुछ दो लोग दिखे जो कि बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे। जब उनसे पूछताछ की गई, वहीं पास में मजोला की टीम भी पेट्रोलिंग कर रही थी, और जब उनसे पूछताछ की गई तो वे रुके नहीं, उन्होंने फौरन ही दौड़ना शुरू कर दिया और पुलिस पार्टी पे फायर किया। इसमें जवाबी फायर पुलिस ने किया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, दूसरा भागने में कामयाब हो गया। जो बदमाश है, जो कि इस पे जो गोली लगी है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें कोई पुलिस वाला भी घायल हुआ है? इसमें कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ है। मैडम, जो बदमाश था उसका कोई आपराधिक इतिहास? जो बदमाश पकड़ा गया है उस पे कई जनपदों से लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज है। मैडम, कोई इनाम की घोषणा उसके ऊपर? इन सभी चीजों की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। मैम, कुल कितने राउंड यहाँ पर फायर हुआ है कुछ जानकारी? यहाँ पे काफी कुछ राउंड फायर हुए थे और अभी जो डिटेल्स हैं वो अभी हम देख रहे हैं। गांव वालों ने फायरिंग की थी मैडम? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।